राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारिकर जी, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह आनंद जी, पणजी के मेयर श्री विठल चोपड़ेकर जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, माजिया भोगाल गोय कारण तुमका सगलिया माए मुगाचु नमस्कार। भारत भूचिया सिंधु तिरावर सुंदर माजा भोगाल। ये गोवा, इस गोवा में जो भी आता है हर कोई यही कहता है कि मेरा गोवा है। इस गोवा की कुछ खूबियां हैं जो कि न केवल देशवासियों को बल्कि पूरे विश्व से लोगों को आकर्षित करती रहती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद गोवा की ये मेरी पहली यात्रा है। इस अवसर पर आपके उत्साह भरे स्वागत के लिए मैं आप सभी गोवा के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गोवा की राज्यपाल जिनको अभी अभी हम सब लोग सुन रहे थे, श्रीमती मृदुला सिन्हा जी की प्रभावशाली साहित्यिक पृष्ठभूमि है। सार्वजनिक जीवन में उनका अपना लंबा अनुभव है। उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के अम्बेसडर के रूप में भी मनोनीत किया गया। हमारे गोवा के यशस्वी मुख्यमंत्री, यहाँ के जिनको हम सन ऑफ द स्वाइल कहते हैं, श्री मनोहर पारिकर जी ने देश के रक्षा मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कुशलता, व्यक्तित्व की सरलता और सबसे बड़ी बात यह है प्रामाणिकता के बल पर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व फलक पर गोवा का गौरव बढ़ाया है। मेरी शुभकामना कि वह पूर्णतया स्वस्थ रहते हुए गोवा को अपना सक्षम और कुशल नेतृत्व सदैव प्रदान करते रहे। गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। इस प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और समुद्री संपर्क के कारण सदियों से गोवा पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। पूर्व में जापान से लेकर दक्षिण में अफ्रीका और पश्चिम में यूरोप तक गोवा में अनेक देशों के लोगों का आवागमन होता रहा। दुनिया से व्यापक संपर्क के जरिए विकसित आप सभी गोवावासियों की सोच आपको सही मायने में ग्लोबल सिटीजन बनाती है। हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति अपनी भारत यात्रा के दौरान अपनी आंटी से मिलने गोवा आए थे, जिसका जिक्र उन्होंने जब मेरे से भेंट की तो उस बात का उन्होंने जिक्र किया। मुझे ऐसा लगता है कि गोवा में आना खुशी मनाने का एक पर्याय माना जाता है। नए साल का स्वागत करने के लिए देश विदेश में लोग गोवा आते हैं। मेरे ख्याल से क्रिसमस और नए साल के बीच गोवा में शायद ही कोई जगह खाली रहती होगी। मानसून के दौरान भी गोवा आने के लिए पर्यटकों में विशेष उत्साह रहता है। संयोग से मेरी यह गोवा यात्रा भी मानसून के दौरान ही हो रही है। पर्यटन केंद्र के रूप में गोवा की इस लोकप्रियता के पीछे समुद्र तट और जलवायु का आकर्षण तो है ही, गोवा वासियों का अतिथि सत्कार भी एक मुख्य कारण है। इसके लिए आप सबकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मुझे बताया गया है कि इस अभिनंदन समारोह में गोवा के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले सेनानी भी उपस्थित हैं।
उन्हें मेरा विशेष नमस्कार। गोवा में आजादी की अलग जगाने वालों में टीबी कोन्हा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आमंत्रित किया था। 18 जून 1946 को आयोजित उस जनसभा में डॉक्टर लोहिया ने गोवा के लोगों को तत्कालीन शासन के दमन और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था। उस ऐतिहासिक जनसभा की स्मृति में आप सभी गोवावासी हर साल 18 जून को क्रांति दिवस मनाते हैं। अंततोगत्वा 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्रता सेनानियों का गोवा की आजादी का सपना पूरा हुआ। गोवा के निवासियों का उल्लास और आनंद यहाँ के संगीत, नृत्य, खानपान और पहनावे में भी देखा जाता है। गोवा में कॉस्मोपोलिटन कल्चर का उदाहरण दिखाई देता है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा ने गोवा की संस्कृति और जीवन के रोचक चित्रों से सबका परिचय कराया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश की सुर सामग्री भारत रत्न से अलंकृत लता मंगेशकर के पूर्वज गोवा के मंगेश नामक गांव के रहने वाले थे। यहाँ के मंगेशी मंदिर और ओल्ड गोवा में स्थित बाम जीसस के बेसिलिका में अनेक श्रद्धालु और पर्यटक जाया करते हैं। मुझे भी कल वहां जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। रूस में चल रहे वर्ल्ड कप सॉकर टूर्नामेंट के कारण आजकल फुटबॉल का माहौल है। गोवा में सन 2017 में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के मैच आयोजित किए गए थे। फुटबॉल गोवा में लोकप्रिय है और यहाँ के फुटबॉल क्लब बहुत मशहूर रहे हैं। ब्रह्मानंद संखवालकर जैसे खिलाड़ियों ने फुटबॉल जगत में गोवा का नाम रोशन किया। गोवा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का भी प्रमुख केंद्र बनता रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन होता है, जिसमें पूरी दुनिया से हजारों सिनेमा प्रेमी आते हैं। सन 2016 में 8वें ब्रिक्स समिट का आयोजन भी यही हुआ था, जहां प्रसिद्ध गोवा डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से गोवा देश में दूसरे नंबर पर है और यहां की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक है। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के मानकों पर भी गोवा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। गोवा का औसत जीवन स्तर अपेक्षाकृत बेहतर है। इन उपलब्धियों के लिए मैं गोवा के आप सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी राज्य ने प्रभावी कदम उठाए हैं। मोपा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि मांडोवी और ज्वारी नदियों पर नए पुल बनाए जा रहे हैं, जिनसे आवागमन में बहुत सुविधा होगी। राजधानी पणजी को स्मार्ट सिटी मिशन तथा अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात अमृत में शामिल किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में निरंतर विकास करने से गोवा में नागरिकों को सहूलियत होगी तथा पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। समुद्र से गोवा का गहरा रिश्ता है, इसीलिए यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा में ही स्थित है। यहाँ भारतीय नौसेना की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। नेवल एयर स्टेशन INS हंसा तथा लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए INS गोमान तक गोवा समुद्र तट पर ही है। एक मिशन के तहत 8 महीनों में पृथ्वी की परिक्रमा करके 6 महिला नाविकों की एक टीम पणजी बंदरगाह पर इसी साल मई के महीने में लौटी थी। उनकी शिप INSV तारणी का निर्माण गोवा में ही हुआ था। उन बहादुर बेटियों से राष्ट्रपति भवन में मेरी भी मुलाकात हुई थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि गोवा में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और लाडली लक्ष्मी योजना तथा गृह आधार योजना को कार्य रूप दिया जा रहा है।
गोवा में एक कॉमन सिविल कोड है जिसके तहत सभी गोवा निवासी महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है। यह कोड हमारे संविधान में दिए गए समता के आदर्श को दर्शाता है और पूरे देश के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैं आशा करता हूं कि गोवा के आप सभी निवासी अपने राज्य की समृद्धि और देश के विकास में अपना निरंतर योगदान देते रहेंगे। हमारे लोकतंत्र का प्रतीक, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, और देश की धरोहर राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन केवल राष्ट्रपति का नहीं है, बल्कि राष्ट्र के हर नागरिक का वो भवन है। मैं आप सबको राष्ट्रपति भवन में आने और उसे देखने का आमंत्रण देता हूं। आप जब कभी भी दिल्ली की यात्रा करें, राष्ट्रपति भवन में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबने मेरा जो अभिनंदन किया है, उसके लिए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सभी गोवा वासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। देव बने करूं।